उत्तर प्रदेश सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लालमणि कुमार उर्फ लाल बाबू वाल्मीकि ने महानगर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संक्रमक रोग चिकित्सालय में गंदगी को देखकर खेद जताया। साथ ही चिकित्सालयों के अंदर ना तो कोई चिकित्सक मिला और ना ही संबंधित अधिकारी, जिसको लेकर उपाध्यक्ष ने अपना रोष प्रकट किया और शासन को इस बात से अवगत कराने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान मरीजों से हालचाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के आदेशानुसार स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है, उसी क्रम में मुझे सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि उत्तर प्रदेश में सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में सफाई व्यवस्था का जायजा लूं, उसका औचक निरीक्षण करूं और जहां भी कमी पाई जाए उस मेज को कंशु व्यवस्था को दुरुस्त कर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करूं। आज अस्पताल का निरीक्षण किया हूं, अस्पताल में कुछ कमियां मिली हैं, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसके लिए मैं अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दिया हूं। आइए आइए, नमस्कार। सब नाम एकदम कागज में हेरा फेरी चल रहा है, कागज में पूरा हेरा फेरी, पूरा लिखा पढ़ी करना पड़ेगा। सफाई देखिए क्या है, यहाँ कोई नहीं है, ये सब चेयर खाली है, सारी कुर्सियाँ खाली, कुर्सी एकदम खाली है, सब कुर्सी खाली है, पूरा बयान छापी है, जर्जर व्यवस्था है। लखनऊ से गायब हुए मंत्रालय से, आ जाइए बैठिए। शुक्ला जी इससे संबंध है, इनका कोई नहीं होगा, इनका कोई रोल नहीं है।